आज हरियाणा के सभी जेलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिला जेल में उपायुक्त डॉक्टर एसएस फुलिया, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी व नगराधीश अनिल यादव की मौजूदगी में तकरीबन 150 पुलिसकर्मी छानबीन कर रहे हैं। अभी ये सर्च अभियान कई घंटे और चल सकता है। जब सर्च अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा की जेलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अभी कुरुक्षेत्र की जेल से ऐसा कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है जिसके बारे में छानबीन की जा सके, लेकिन कुछ और जेलों में संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनको लेकर बंदियों से बातचीत की जा रही है। टाइम टू टाइम जॉइंट ऑपरेशन करते रहते हैं और कई बार हम रिक्वेस्ट करके भी एसपी हमको बोलते हैं, सारी फोर्स को बुलवाते हैं, एक साथ सब करवाते हैं। और आज ये प्रोसीजर पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर एक साथ पूरी जेलों की चेकिंग हो रही है। खास मिला है सर यहाँ पे, क्योंकि कई बार नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है सर। कितनी पुलिस फोर्स आई है ये सर? अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास। जी, हम लोग जेल की चेकिंग आज कर रहे थे। टाइम टू टाइम इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। आज जो सर्च ऑपरेशन है, ये स्टेट वाइड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। तो ये जो हम सर्च कर रहे हैं अभी, ये ऑनगोइंग है। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई भी कॉन्ट्राबैंड या कोई भी डिसअलाउड आइटम ना हो किसी भी प्रिजनर के पास। ये इन रीसेंट टाइम्स में जो कुछ इंसिडेंट्स भी लाइट में आए हैं वायलेंस के, या फिर कोई कॉन्ट्राबैंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन यहाँ पे भी कैरी आउट किया गया है। तो मैडम कुछ मिला अंदर से चेक? जी, अभी वो प्रोसेस चल रही है हमारी चेकिंग की। तो जिस प्रकार से एक बार खत्म हो जाएगा सारी जब चेकिंग का प्रोसेस, तो हम लोग कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन का वितरण हम करते हैं। तो कुछ जानकारी लगी थी या रूटीन में? जी, रूटीन है, वैसे भी की जाती है। तो वैसे हम लोग मॉनिटर भी करते हैं, सर्वेलेंस भी रखते हैं जेल का, तो उससे भी हमारे पास कुछ इनपुट्स थे। बाकी ये जो अभी रीसेंट टाइम्स में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जेल्स की हम लोग एक बार थारोली चाहिए। तो कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें परेड में? जी, डीसी साहब हैं, मैं हूँ, और हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, और इसके अलावा पुलिस फोर्स थी, जो हमने इंस्पेक्टर्स थे और उनके अंदर हमने टीम्स बना दी थी हर बारह के लिए, ताकि साइमल्टेनियसली सारे बारह चेक। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।